तो मैग्नेटिक लेसो क्विक सिलेक्शन टूल से पहले काफी यूज होता था। जैसे आप मैग्नेटिक लेसो कहेंगे और इसकी हम एजिस को सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम उसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटो सेलेक्ट करता जाता था एजिस को। मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटो सेलेक्ट कर रहा है, ये देखिए। पर डायरेक्शन मुझे बतानी पड़ेगी, क्योंकि अगर डायरेक्शन नहीं बताऊंगा तो फिर ये आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन वही इसमें बात है कि अब डायरेक्शन खराब हो रही है तो मैं क्या करूं, फिर डिलीट का बटन दबा सकता हूं तो ये अनलॉक हो जाएगा, ये बाइंड जो करता जा रहा है अनलॉक हो जाएगा। तो मैं इसको दोबारा से सही तरीके से चला सकता हूं। जहां पे डायरेक्शन खराब हुई है डिलीट, अब मैं क्लिक भी कर सकता हूँ, ये देखिए मैग्नेटिक लेसो टूल की तरह से क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और ये डायरेक्टली भी डिलीट सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन इसका इस्तेमाल कम हो गया कब से, जब से ये क्विक सिलेक्शन टूल आया। क्विक सिलेक्शन टूल जब से इन हुआ है इसका जो यूटिलाइजेशन है वो कम हो गया, क्योंकि अगर आप समथिंग देखें तो ये भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे क्विक सिलेक्शन काम कर रहा है। हाँ, क्विक सिलेक्शन से पहले ये ज़्यादा इन था, उसकी वजूहत ये थी कि ऑटो सेलेक्ट करता था। अब अगर आप देखें कि मैं इसको हटा देता हूँ कंट्रोल डी या स्कैप की मदद से, तो इसकी पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास बहुत आसान तरीका है क्विक सिलेक्शन टूल से। ये मैं इसकी इस तरह से लेके, ये हो गया सेलेक्ट, ठीक है, हो गया। और इससे भी ज़्यादा आसान था कि ऑफ वो जो 2021 का वर्जन है उसका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेते, और जो चीज़ें हमारी ख़राब हो गई तो वो ये आप लेसो टूल लेके यहाँ पे से आप देखें भाई ये हिस्सा इसका डायम खराब हो गया है, तो ये आपने ऐसे लिया ऑल्टर की मदद से, सब्ट्रैक्ट हो गया ऑल्टर की मदद से, खत्म हो गया, सही है ना। अब ये एक्स्ट्रा एरिया आ गया है तो इसको भी हम ऑल्टर की मदद से इजीली रिमूव कर दिया, और अगर कुछ एक्स्ट्रा चला गया है तो शिफ्ट की मदद से दोबारा से आपने जूम करके गेन कर लिया। ये देखिए अब इसमें से इसको निकाल देते हैं हम पहले, और फिर शिफ्ट के साथ इसको ऐड कर लेते हैं ताकि जो एजिस वाला काम है वो आसानी से हो जाए, ठीक है, ये हो गया। अगर थोड़ा सा फिर भी और परफेक्ट करना है तो इसको क्विक सिलेक्शन टूल लेके इसके यहाँ पे रख के थोड़ा सा कर ले इसको सेट, ये सेट हो गया, ठीक है। अब कंट्रोल सी कर ले, आपने जिस ऑब्जेक्ट पे ले जाके इसको रखना है वहां पे ले जाके इसको कंट्रोल वी कर दें, पेस्ट हो गया। अब ये पिक्चर बहुत बड़ी थी और छोटी है, इसको कैसे एडजस्ट करें, क्लिक करेंगे इसकी लेयर पे, यहाँ सेट कर लेते हैं, ये देखें ऐसे सेट हो गया इसके ऊपर, ठीक है। अब एक और शॉर्ट की समझ लें, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म से क्या होता है, इसकी एडिट में जाके यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म से ये होगा कि आप यहाँ से इसको डायरेक्टली इस तरह से रीसाइज कर सकेंगे ऑब्जेक्ट को डायगोनली, विड्थ में और हाइट में अलग अलग कर सकते हैं। और अगर आप डायगोनली चाह रहे हैं, कैंसिल कर रहा हूँ स्केप से, तो कंट्रोल टी दबा के ऑल्टर शिफ्ट को होल्ड करेंगे, ऑल्टर शिफ्ट होल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल एस्पेक्ट रेशो के साथ बढ़ेगा और एस्पेक्ट रेशो के साथ ही छोटा हो जाएगा। और अगर मैं ऑल्टर शिफ्ट की जगह सिर्फ ऑल्टर को होल्ड करूंगा तो ये एक साइड से खींचूंगा तो दूसरी साइड खुद बढ़ेगा, ठीक है। और अगर शिफ्ट को दबाऊंगा तो ये रेशो को मेंटेन करता हुआ इस तरीके से छोटा बड़ा
हो सकता है, एस्केप करूंगा कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं चाह रहा था कंट्रोल टी इसी लेयर के ऊपर रखे, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म ऑल्टर शिफ्ट, और इसको उठा के मैंने इस तरह से रख दिया और उस पर क्लिक करके अप्लाई कर दिया। ज्यादा बड़ा हो गया इमेज तो फिर ऑल्टर शिफ्ट से थोड़ा छोटा कर लें और यहां से क्लिक करके इसको अप्लाई कर दें। इसको इसके नीचे ले आए, छुप जाएगा, इसको आगे ही रख लें। थैंक यू दिख रहा है, थोड़ा सा इसको पीछे कर दें तो ये देखिए इस तरह से भी आप इस चीज को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मैंने डिफरेंट इमेजेस को सेलेक्ट करके एक जगह पे लाया और एक आइडिया क्रिएट किया, बताने का मकसद ये है। अब ये एक सेकंड लेवल का काम है, कल जो आपको कहा कि कोई फोटो लेना और उस पर कोई आइडिया लगा देना, अब आपने ये करना है आज